दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर यमुनानगर में एक महिला थाने का उद्घाटन किया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुज्जर ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर इस थाने का शुभारंभ किया। इस दौरान करनाल रेंज के आईजी हनीफ कुरैशी, विधायक घनश्याम दास व बलवंत सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल ने कहा कि केरल के बाद हरियाणा ऐसा दूसरा राज्य है जहां पूरे प्रदेश में महिला थाने हैं। उन्होंने कहा कि नारी को एक बहुत बड़ी शक्ति दी गई है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि नारी को मिले हक का दुरुपयोग होता है तो उससे किसी न किसी का नुकसान बेशक होगा, लेकिन हमें इस सबसे ऊपर उठकर अपने हकों की रक्षा करनी चाहिए। इस मौके पर नारी उत्थान के लिए काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। हरियाणा दूसरा ऐसा प्रदेश है जिसने इस प्रकार का कदम उठाया, तो इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा समाज में। एक जो पहले जो ट्रेंड था उसमें एक बदलाव का ट्रेंड है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही। आज शिक्षा के क्षेत्र में तो ये होता है कि अगर 100 लोग टॉप करते हैं, 100 लड़के टॉप करते हैं तो उनमें 70 लड़कियां होती हैं। और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाए, जैसा अभी आईजी साहब ने कहा है कि अभी उन्हें इंक्वायरी सब कुछ उन्हें करना होगा, तो नया काम है उनके लिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों में वो इस मामले में भी नया आयाम स्थापित करेंगे, बढ़िया इंक्वायरी करके देंगे। यमुनानगर से रणसिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।